गुजरात के सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव करने वाले 27 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैयदपुरा थाना क्षेत्र की वारियावली लाल गेट इलाके में एक दिन पहले जिस पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, वहां सोमवार सुबह खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पूजा आरती की। इससे पहले उन्हें सूरज उगने से पहले पत्थरबाजों की गिरफ्तारी का वादा किया था। बाद में उन्होंने वादा पूरे किए जाने पर जानकारी देते हुए बताया कि 27 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य की तलाश लगातार जारी है। हर्ष संघवी ने तड़के 4:20 पर एक्स पर लिखा कि सूरत शहर में गणेश पंडाल पत्थरबाजी की घटना पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरत शहर में पहली सूर्योदय से पहले ही सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। वीडियो और ड्रोन विजुअल की मदद से बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कॉम्बिंग अभी भी लगातार जारी है। कानून और व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करने वालों की भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कृपया किसी भी फर्जी संदेश से सावधान रहें। मैं और मेरी टीम सूरत पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है। जय गणेश। संघवी ने सुबह 6:30 अपना वादा पूरा करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, जैसे कि मैंने वादा किया था, सूरज उगने से पहले हमने पत्थरबाजों को पकड़ लिया है। 27 पत्थरबाज गिरफ्तार है। सीसीटीवी वीडियो विजुअल, ड्रोन विजुअल और अन्य तकनीकी निगरानी कार्य अभी भी लगातार जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी टीमें पत्थरबाजों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए पूरी रात काम कर रही थी और अभी काम कर रही हैं। जय गणेश। आइए सुनाते हैं आपको गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा। गुजरात ने शांति ने ठेस पहुंचाड़नारा एक भी व्यक्ति ने काले वहली सवारे सूरज उगे ते पहला तमाम लोगों ने पकड़ी ने कड़क मां कड़क कार्यवाही करवा माटे सूरत पुलिस ने सूचना आपवामां आवी छे। गृह मंत्री ने सुबह गणपति की आरती करते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सूरत पुलिस टीम और गणेश मंडल के आयोजकों के साथ मिलकर मैंने उसी गणेश पंडाल में गणेश जी की आरती और पूजा की जहां पत्थरबाजी हुई थी। आरोप है कि रविवार को मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों ने गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की थी। इसके बाद इलाके में हिंदू आक्रोशित हो गए। भीड़ ने सैयदपुरा पुलिस चौकी को घेर लिया और चौराहे पर हजारों लोग एकत्र हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद गृह मंत्री हर्ष संघवी ने यह सारा संज्ञान लिया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।